वेलकम अगेन दोस्तों। लियो ने पहले दो दिन कंप्लीट करके आज तीसरे दिन में सॉलिड एंट्री मार ली है और भाई तबाही। पहले दिन इसने जो ओपनिंग करी भाई सॉलिड ओपनिंग करी। इंडिया की 2023 की नंबर वन मूवी बन चुकी है जिसने हाईएस्ट ग्रोसिंग करी है। डे वन में हाईएस्ट कलेक्शन किया है ओवरसीज़ के मामले में भी और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में भी। तो आज बात करेंगे ये मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है और कितनी कमाई ये करने वाली है, लाइफ टाइम कलेक्शन इसका कितना रहने वाला है, कल का दिन कैसा रहा, पहला दिन कैसा रहा और आज का दिन कैसी ग्रोथ चल रही है। तो अभी सब चीज़ों पर डिटेल टू डिटेल बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो के अंत तक तो जरूर जुड़े रहना है। और थालापति विजय के लोकेश कनगराज डायरेक्शन के डाई हार्ट फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक करना है हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लोकेश कनगराज के डायरेक्शन में मात्र 300 करोड़ के भारी भरकम बजट में बनने वाली लियो, जिसके मेन लीड पर आपको थालापति विजय और सपोर्टिंग कास्ट में आपको सेकेंड लीड में मोस्ट ब्यूटिफुल त्रिशा कृष्णन देखने को मिलेंगे और विलेन में संजय दत्त और अर्जुन सारजा जैसे धमाकेदार एक्टर आपको देखने को मिलेंगे। मूवी का कंटेंट सॉलिड है, सस्पेंस थ्रिलर पर बेस है, एक्शन की कोई कमी नहीं है और एक्शन को जिस हिसाब से इन्होंने रिप्रेजेंट करके दिखाया है भाई दिस इज ऑसम। लोकेश कनगराज का डायरेक्शन इज ऑसम एंड सॉलिड। बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। डे वन पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई करी, हिस्ट्री क्रिएटिंग मोमेंट, हिस्ट्री क्रिएट करा है बाय गॉड। तमिल से 48 करोड़ आया था और हिंदी से ये मूवी 2.80 करोड़ कमाया था, तेलुगु से 12 करोड़ 90 लाख और कन्नड़ा से 14 लाख। टोटल नेट इंडियन कलेक्शन फर्स्ट डे का होता है 65 करोड़, ग्रॉस रहता है 76 करोड़ 20 लाख, ओवरसीज से आया था पहले दिन में 64 करोड़ और पूरी दुनिया से ये मूवी पहले दिन में कमाई करी थी ह्यूज इनकम 140 करोड़, जिसने आदि पुरुष के जाइंट रिकॉर्ड फर्स्ट डे के कलेक्शन रिकॉर्ड को 138 करोड़ के रिकॉर्ड को खदेड़ दिया, जवान के फर्स्ट डे के रिकॉर्ड को 129 करोड़ के रिकॉर्ड को खदेड़ दिया। भाई दिस इज ऑसम। लियो से ये उम्मीद जताई ही नहीं जा रही थी कि ये मूवी फर्स्ट डे इतनी ज़्यादा कमाई कर ले जाएगी, लेकिन ऑसम लोकेश कनगराज प्लस थालापति विजय ये कॉम्बिनेशन आग फाड़ गया। इस कॉम्बिनेशन ने लोगों को मजबूर कर दिया पहले दिन थिएटर में आने के लिए, ना कि सिर्फ आने के लिए, क्राउडेड भीड़ संख्या में आने के लिए। और खचा खच तरीके से सिर्फ थिएटर हाउस नहीं भरा है, इन लोगों के मेकर्स के खाते भी भरे हैं, प्रोडक्शन हाउस के खाते भी खचा खच नोटों से भरे गए पहले दिन में ही। तो बात करते हैं डे टू में, यानी कल कैसी कमाई रही मूवी की। तो कल तमिल से 30 करोड़ आता दिख रहा है, तेलुगु से ड्रॉप होता नज़र आया है। टाइगर नागेश्वर राव भी रिलीज हुई है, एक नई मूवी जिसने साउथ में इसका कंपटीशन अच्छा खासा बढ़ाया है। दूसरा कल फ्राइडे वर्किंग डे था, दैट्स वाई कि ड्रॉप डाउन देखने को मिला। और अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी ब्लॉकबस्टर मूवी जो बड़ी मूवीज होती हैं वो पहले दिन सॉलिड ओपनिंग लेती हैं लेकिन सेकेंड डे में उनकी ग्रोथ डाउन हो जाती है, क्योंकि आजकल फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का ज़बरदस्त ट्रेंड चल रहा है और मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस फर्स्ट डे ही शो देख लेती है। दूसरा, अगर सेकेंड डे यानी सैटरडे या फिर संडे कोई भी हॉलीडे अगर नहीं पड़ा, वर्किंग डेज पड़ गया, तो वहाँ पर ड्रॉप डाउन देखने को मिलता ही मिलता है। तमिल में फर्स्ट डे 48 करोड़ आया था लेकिन कल कितना आया, मात्र 30 करोड़ के आसपास कमाते नज़र आई है ये मूवी। तो वही चीज़, हर लैंग्वेज से ये मूवी डाउन में आती दिखी है। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है कि मूवी की ग्रोथ यहाँ पर पूरी पिट जाएगी, बिल्कुल नहीं पिटेगी। आज सैटरडे है, सैटरडे का अगर मैं बताऊँगा आपके कान खड़े हो जाएंगे। सैटरडे दोबारा से हाई गई है, संडे और भी अच्छी जाएगी। वर्किंग डेज में सभी मूवीज़ की हालत ऐसी ही होती है, यही चीज़ हमने जवान के टाइम पर भी देखी थी और यही चीज़ हम लियो के टाइम पर भी देख रहे हैं। तो यस, तेलुगु से अगर मैं बताऊँ तो 5 करोड़ आता दिख रहा है। वही चीज़ की साथ में और भी मूवीज चल रही हैं, साउथ में टाइगर नागेश्वर राव चल रही है, नॉर्थ बेल्ट में गणपत मूवी चल रही है, यारियाँ 2 चल रही है, तो कॉम्पिटिशन अच्छा खासा है। उसके बावजूद भी मूवी अच्छी खासी ग्रोथ अपने खाते में लेके आ रही है। हिंदी से ये मूवी कल कमाई करते नजर आई थी 2 करोड़ की और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन हो जाता है सारी लैंग्वेज को मिलाकर 37 करोड़ के आसपास, ग्रॉस हो जाता है मात्र 45 करोड़ के आसपास, वो भी ड्रॉप देखने को मिला। लगभग में लगभग ओवरसीज से मैं बताऊं तो कल आता दिख रहा है 25 करोड़, बहुत ज्यादा ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, बहुत ज्यादा। तो इसी के साथ मूवी कल कितनी कमाई करते नजर आ रही है, लगभग 70 करोड़ के आसपास पूरी दुनिया से ये मूवी कमाई करते नजर आ रही है। यह अर्ली एस्टिमेट्स की रिपोर्ट, अभी ऑफिशियल रिपोर्ट मेकर्स की तरफ से नहीं आई है, रिपोर्ट फ्लेक्सिबल है। जब कल की पूरे दिन की ऑफिशियल
ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दी जाएगी जो कल की मतलब डे टू की पूरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को स्टेप टू स्टेप कवरअप करेगी। तो लेकिन अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि ये जो रिपोर्ट बताई जा रही है ये हवा में बताई जा रही है, बिल्कुल ये ऑफिशियल ही मान के चलो। अर्ली एस्टिमेट बिल्कुल सॉलिड तरीके से नाप तोल कर ही लिया जाता है, डेटाज बिल्कुल रॉन्ग नहीं है। तो कल पूरे दिन में एंड ऑफ द डे तक 70 करोड़ की ये कमाई करते नजर आई है। बात करें आज यानी तीसरे दिन यानी आज सैटरडे में कैसी ग्रोथ कर रही है, तो भाई आज तो आग फाड़ ग्रोथ हो रही है। यस, उछाल मारते नजर आ रही है मूवी और सॉलिड उछाल मारते नजर आ रही है मूवी। ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आज की 70-75% की चल रही है और आज तमिल से ये मूवी लगभग 38-40 करोड़ के आसपास कमाई करते नजर आ रही है और हिंदी तेलुगु कन्नड़ा तीनों लैंग्वेज को मिलाकर ये मूवी नेट इंडियन कलेक्शन, तमिल को भी मिलाकर चारों लैंग्वेज को मिलाकर नेट इंडियन कलेक्शन आज एंड ऑफ द डे तक 53-55 करोड़ के आता दिख रहा है और क्रॉस कलेक्शन ये मूवी आज लगभग 65 करोड़ के आसपास कमाई करते नजर आ रही है। ओवरसीज से आज भी ड्रॉप डाउन देखने को ही मिल रहा है, लगभग 35 करोड़ के आसपास ये कमाई करते नजर आ रही है। इसी के साथ पूरी दुनिया से ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक 100 करोड़ के आंकड़े को टच कर लेगी। तो मैं आपको बताऊंगा पहले तीन दिन में नेट इंडियन कलेक्शन अब कितना हो जाएगा, एंड ऑफ द डे तक आज लगभग 155 करोड़ हो जाएगा, ग्रॉस वहीं हो जाएगा 180 करोड़, ओवरसीज से हो जाएगा लगभग 125 करोड़ और पहले तीन दिन में ही पूरी दुनिया से ये मूवी 310 के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रखते नजर आएगी। तो भाई साहब ग्रोथ बहुत सॉलिड चल रही है, लियो से जितनी उम्मीद नहीं थी बाय गॉड इसने बहुत ही ज़्यादा मतलब खरा उतरे हैं, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कमाई करते ये मूवी नज़र आ रही है। और यस आएगी क्यों नहीं, क्योंकि इसका कंटेंट सुपर सॉलिड है, इसमें जो हमने एक्शन हमें टीजर और ट्रेलर से देखने को मिल रहा था सिर्फ उतना ही नहीं मिला, हमें सस्पेंस थ्रिलर भी पेल के मिला है, ऑसम तरीके से मिला है, कास्ट अमेजिंग है, संजय दत्त का जो रोल है भाई ऑसम रोल है। तो ये जो सारा सिनेरियो मूवी में सेट करा गया है लोकेश कनराज के द्वारा ऑसम है, दैट्स वाई कि ये मूवी इतनी अच्छी ग्रोथ करते नजर आ रही है। तो आप लोगों की क्या राय है, ये मूवी आज एंड ऑफ द डे तक क्या 300 करोड़ के आंकड़े को टच कर जाएगी और ये मूवी क्या 1000 करोड़ टच कर जाएगी या नहीं कर जाएगी? मेरे हिसाब से मैं मान के चल रहा हूँ ये मूवी लगभग 650-700 करोड़ का लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर जाएगी, ये मिनिमम सेट करके बैठ रहे हैं। इससे ज़्यादा निकलेगा मुझे बहुत खुशी होगी, मैं चाहूँगा कि मैं झूठा साबित हो जाऊँ और ये मूवी 1000 करोड़ कंप्लीट कर जाए, क्योंकि ये डिजर्व करती है, ये कंटेंट डिजर्व करता है। लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है, आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।